प्रधानमंत्री का हिमाचल दौरा हमेशा विशेष रहा है और कल विशेष दिन पर मतलब आधी आबादी का साल का सबसे बड़ा दिन है और करवा चौथ पर प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। दौरा पहले 14 अक्टूबर को तय हुआ था लेकिन अब ये 13 अक्टूबर को होने जा रहा है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही इस दिन को हिमाचल के दौरे के लिए चुना है। प्रधानमंत्री का भाषण हमेशा ही महत्वपूर्ण रहता है लेकिन कल क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये उनका हिमाचल प्रदेश का अंतिम दौरा माना जा रहा है, ऐसे में उनके भाषण में क्या विशेष रहेगा इसके ऊपर तो सभी की निगाहें रहेंगी। उसके साथ ही इस चीज़ के ऊपर भी सभी की निगाहें रहेंगी कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश को अगले 5 सालों के लिए कौन सी बड़ी सौगात दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री पूरे देश की महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा करवा चौथ के दिन चंबा के चौगान से कर सकते हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री का ऊना जिले का दौरा भी रहेगा जहां पर वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मतलब ऊना विधानसभा क्षेत्र में सतपाल सिंह सत्ती को जहां वे बड़ी ताकत देकर जाएंगे वहीं हरोली विधानसभा में बल्क ड्रग पार्क का शिलान्यास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश अग्निहोत्री के लिए भी राजनीतिक रूप से मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि ऊना जिला में कांग्रेस जिन 2 सीटों को लेकर बहुत अधिक आशावाद है उन दोनों ही सीटों को प्रधानमंत्री ने टारगेट कर दिया है। वहीं अगर हम उनके चंबा दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंबा के चौगान से क्या भाषण निकलेगा, प्रधानमंत्री का इशारा क्या होगा, इस पर भी निगाहें रहेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूरे जोश के साथ तैयारी में हैं। जेपी नड्डा ने प्रदेश का दौरा करके सारी फीडबैक ले ली है। बड़ी संख्या में टिकट बदले जाने हैं, ऐसे संकेत भी दे दिए गए हैं। मंत्री से लेकर विधायक तक कोई सुरक्षित नहीं है, किसी पर भी रिपोर्ट कार्ड और सर्वे के आधार पर गाज गिर सकती है। इस समय इस तरह का माहौल हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। जेपी नड्डा ने देहरा में होशियार सिंह को अलग थलग कर दिया जिसे मुख्यमंत्री भाजपा में लाए थे, जो कि एक झटका खुद मुख्यमंत्री को भी है और कांगड़ा जिला के राजपूतों को भी ये बड़ा झटका माना जाता है। कल का दिन विशेष है, प्रदेश की निगाहें या फिर ये कहें कि करवा चौथ पर आधी आबादी की निगाहें प्रधानमंत्री पर टिकी रहेंगी कि महिलाओं को किस रूप में प्रदेश में वे मजबूत करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस को घेरने के लिए उनका मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, कैसे प्रदेश में भाजपा मिशन रिपीट करेगी, सबसे बड़ी बात प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, ये सब कुछ कल प्रधानमंत्री के भाषण से किस रूप में निकल कर आएगा देखना होगा।